निपुर शर्मा विवाद पर विरोध कर रहे मेरे मुस्लिम साथियों से एक निवेदन करने आया हूं। निवेदन कर रहा हूं मियां, एक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। आपको लगता है कि आप भारत के वफादार हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जो भी इंसान कानून हाथ में लेता है, पत्थर उठाता है, वो न अपने धर्म का, न समाज का, न देश का, ये किसी का सगा नहीं है। वो गद्दार है और गद्दार ही रहेगा। वो अल्लाह को, वो जुम्मे के दिन को और हर उस नेक काम को कलंकित कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। एक वीडियो भेज रहा हूं, इस वीडियो को बड़ी तसल्ली के साथ देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगा। सुनिए। कई ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई, हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। क्या यह शख्स, क्या यह दरिंदा, यह देश का गुंडा निपुर शर्मा से छोटा अपराधी है? क्या इसने हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान नहीं किया? खुलेआम हमारे देवी देवताओं को गालियां नहीं दी? अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश का, वतन का, सनातनी खड़ा हो जाएगा तो यह 25-30 करोड़ में से जो 2-4 करोड़ दरिंदे हैं, जिहादी हैं, कहां जाएंगे जरा सोचिएगा। इसलिए इस्लाम के मानने वाले सभी उन वरिष्ठ लोगों को कहता हूं, अपने दरिंदों और जिहादियों को शिक्षा दीजिए, समझाइए। अगर उन गद्दारों को यह देश अपना लगा होता तो पत्थरबाजी नहीं करते, क्योंकि सनातनी इस देश को अपना मानता है, पत्थरबाजी नहीं करता क्योंकि यह वतन उसका है। आप चिल्लाते रहिए वतन हमारा है हमारा है, जिनका होता है वह दरिंदगी नहीं करते, पत्थरबाजी नहीं करते। सनातनियों, हिंदुओं, जागो और एक एक करके इस पर FIR दर्ज करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।